जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अधिक मास के 7 उपाय बताऊंगा। अधिक मास में अगर आपने ये 7 उपाय कर लिए तो भगवान की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, चाहे वो संतान की हो, चाहे धन की कामना हो या नौकरी बिजनेस कोई भी कार्य के लिए आप उपाय करते हैं तो आपकी यह मनोकामना भगवान जल्दी पूरी करेंगे। आपको पूरे विश्वास और लगन के साथ में यह उपाय करने होंगे। अगर आप यह उपाय करते हो, साधारण उपाय ये ज्यादातर लोग करते भी होंगे, आप यह उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। संतान की प्राप्ति, धन की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। अधिक मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना होता है। अधिक मास के महीने में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अधिक मास के महीने में जो भी लोग मेरी पूजा करेंगे पूरे लगन और मन से, उनकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाएगी। अगर आप यह 7 उपाय करते हैं तो हर मनोकामना पूरी, और बार उपाय करते हैं उससे कई गुना फल मिलता है। अधिक मास के महीने यानी और महीनों में आप पूजा करते हैं उससे कई गुना फल मिलता है इसमें, क्योंकि यह 3 साल में एक बार आता है और इस बार योग भी बहुत ही अच्छा बन रहा है। ऊपर से ग्रहण का योग है, क्योंकि इसमें जो है आपका गुरु मार्ग ही चल रहे हैं बहुत ही अच्छी अवस्था में। राहु भी जो अशुभ ग्रह है वो भी अवस्था में आ गए हैं, शनि भी बहुत अच्छी अवस्था में आए, तो एक प्रकार से देखेंगे कि महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ऊपर से भगवान कृष्ण की कृपा, तो हमारे सारे कार्य जो आपके सिद्ध होंगे। आप पूरी लगन और श्रद्धा के साथ में ये उपाय करें। सबसे पहले आप नियम बना लें, सुबह स्नान आदि करें। स्नान आदि करते समय जो बाल्टी है उसमें 2 बूंद गंगा जल की जरूर डालें पानी में, उससे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। पहले समय में क्या होता था कि हमारे ऋषि मुनि थे या आम आदमी थे, सभी नदी किनारे स्नान करने जाया करते थे, बड़ा महत्व मिलता उसका। लेकिन आजकल नदी है ही नहीं, स्नान कहां से करोगे, और जो नदी है वो काफी दूर है, तो आप घर पे ही गंगा जल का स्नान का गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ 2 बूंद गंगा जल के उसमें डाल दें। उसके बाद में आपको भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करना है। सूर्य देव को अर्पण जल अर्पण पूरे महीने करना है आपको। वैसे सभी को हर समय बारह मास सूर्यदेव को जल अर्पण करना चाहिए, लेकिन स्पेशल अधिक मास में सूर्यदेव को जल अर्पण करने का बड़ा महत्व होता है। अब मैं आपको उपाय बता रहा हूं, आपको उपाय कैसे करने हैं। सबसे पहले आप भगवान कृष्ण की फोटो ला करके रखें, मूर्ति ला करके रखें। लड्डू गोपाल जी की जो मूर्ति हो तो बहुत ही अच्छा है, सालग्राम जी की मूर्ति हो बहुत अच्छा है। अगर ये ना हो तो भगवान के बाल रूप की फोटो ला करके आप रख लें भगवान के सामने। सबसे पहला उपाय, भगवान के सामने आपको शुद्ध देशी घी का दीपक जला करके देव की शुद्ध गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि मे तनु कृष्णम त्वामहम शरणंगतः इस मंत्र का पाठ करना है। संतान प्राप्ति के लिए आपकी संतान पुत्र की कामना जल्दी पूरी हो जाएगी। ये आप पूरे महीने लगातार करना है आपको। पहले आचमन करना है, ओम केशवाय नमः माधव नारायण नमः, उसके बाद में ओम हसिकेशा नमः कहकर के हाथ धो लें। उसके बाद में आप अपने ऊपर जल के छींटे डालें, ओम विष्णु 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 3 बार बोल दें। उसके बाद में हाथ में जल लेकर के आप और भगवान से प्रार्थना करें कि मैं संतान प्राप्ति के लिए मनोकामना के लिए यह मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं, आप प्रभु मेरी संतान की मनोकामना पूरी करें। ऐसा कहकर भगवान सामने जल छोड़ दें और आप इस मंत्र का लगातार जाप करें। 1 माला, 2 माला, 5 माला, जितनी कर सके उतनी। आपके योग बन जाएंगे, कुंडली में योग नहीं है तब भी योग बन जाएंगे। नंबर 2, पूरे महीने आप ध्यान रखें, पूरे महीने गौ माता की सेवा। दूसरा उपाय ये, गौ माता की सेवा का बड़ा महत्व होता है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण गौ माता की सेवा करते थे। अगर उनके महीने में आप गौ माता की सेवा करते हैं तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आप करके देखें, गौ माता की सेवा, गौ माता को पानी पिलाना, जहां पर गौ माता बैठती है वहां पर झाड़ू लगाना, गौ माता के गौशाला में आप जो है चारा की व्यवस्था करना, जैसे भी आपकी व्यवस्था हो गौ माता की सेवा करें। नंबर 3, अधिक मास में जितने भी वीरवार आए, एकादशी आए और सोमवार आए, सभी बारों को गौ माता को आटे का पीड़ा, आटे की लोई बनाएं, उसमें मीठा रखें,
मीठा रख करके और गौ माता को खिला दें दो फल के साथ में, आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। नंबर चार, तुलसी का पूजन। माता तुलसी का पूजन का बड़ा महत्व होता है। अधिक मास में अगर आप तुलसी माता के सामने दीपदान करते हैं अपनी मनोकामना बोल करके, तो धन और संतान की मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। ये ध्यान रखें, जब शाम के समय आरती का समय होता है उस समय आपको गौ माता को आटे का पेड़ा खिलाना है, और गौ माता को आप किसी भी टाइम खिला सकते हैं आप, और तुलसी माता के सामने संध्या के समय आपको दीपक जलाना है, सुबह भी दीपक जलाना है, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दीपक तेल का ना जलाएं, या तो तिल के तेल का जलाएं या फिर शुद्ध देसी घी का जलाएं, सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाएं। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर पांच, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि पूरे अधिक मास के महीने ना तो किसी का आपको अपमान करना है, ना किसी से अपशब्द बोलना है, ना ही तामसिक चीज का भोजन करना है। अगर आप कामना पूर्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं तो आपको यह नियम बना के रखना होगा, आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। नंबर छह, पूरे कार्तिक के महीने आपको नियम बनाना है कि आप शिवालय जाएं, भगवान शिव जी की पूजा करें, भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं, बेलपत्र ना मिले तो धतूरे का फल चढ़ा दें, धतूरे का फल ना मिले तो आप भस्मी ही चढ़ा दें, लेकिन भगवान शिव जी का आशीर्वाद भी बहुत ही जरूरी है। भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, इस चीज का विशेष रूप से आपको पालन करना है। नंबर सात, आपको ये ध्यान रखना है किसी गरीब व्यक्ति को अधिक मास के महीने में किसी भी गरीब व्यक्ति को आपको खाना आदि खिलाते रहना है, बीच बीच में जैसे भी आपकी व्यवस्था हो जाए खाना आदि खिलाते रहें, और वस्त्र अर्पण जरूर करें, किसी गरीब को वस्त्र जरूर दें, और पक्षियों के लिए अनाज डालें। ये कार्य आपको करने हैं, ये छोटे छोटे से कार्य हैं, अगर आप ये करते हैं तो अधिक मास के महीने में आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा और देखना आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो इन सातों उपायों को आप जरूर करें, अगर आप ये उपाय करते हैं तो जल्दी से जल्दी आपकी सोनी गोद भरेगी, धन की प्राप्ति होगी, हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। अधिक मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है, ये बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और 3 साल के बाद में ये महीना जो है आता है। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे सबका भला हो सके। हमारा मकसद यही है कि सभी का भला हो, सब खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्ण।